सभी राजनीतिक दल स्वर्ण विरोधी हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों में चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में स्वर्ण स्वयं चुनाव लड़ेंगे। ये कहना है हिमाचल स्वर्ण समाज मंच के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल नरेंद्र सिंह पठानिया का। नरेंद्र सिंह पठानिया ने जसूर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि दशकों से आरक्षण का दंश झेल रहे स्वर्ण वर्ग अब सामूहिक राजनीतिक तुष्टिकरण का शिकार बन चुके हैं। इस वर्ग का अस्तित्व बचाने की खातिर स्वर्ण समाज मंच हिमाचल प्रदेश ने अपने बलबूते पर आगामी लोकसभा चुनाव में चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारने का साहस किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण वर्ग ने कभी भी सरकार से आरक्षण की मांग नहीं रखी और ना ही सड़कों पर उतरकर कोई रोष दिखाया है। इस वर्ग ने हमेशा की तरह अपनी महानता दिखाकर सभी वर्गों को आगे बढ़ने की सहायता दी है और देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां भी दी हैं, मगर इन महान कार्यों के बदले इस समाज को इन आया राम गया राम नेताओं ने मिलकर इसका अस्तित्व समाप्त करने की ठान रखी है, जिसका जीता जाता उदाहरण हाल ही में सभी राजनीतिक दलों का संसद में एससी एसटी कानून को और सख्त करवाने वाला बिल पास करवाना है। इस कानून से स्वर्ण वर्ग को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से वंचित कर इसे दूसरी पंक्ति के नागरिक बनने में मदद की है। पठानिया ने जोर देकर कहा कि हिमाचली नेताओं ने अपने प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है उसकी सहनशीलता व संस्कृति को समझने में बड़ी गलती की है और केवल अपनी कुर्सी के खातिर स्वर्ण वर्ग की कुर्बानियों को दांव पर रखकर इसकी संसद भवन में बोली लगा दी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि तमाम स्वर्ण वर्ग अपने कुल की प्रतिष्ठा तथा इसके अस्तित्व के लिए एकजुट होकर आगे आएं, क्योंकि जब कुल ही नहीं बचेगा तो समाज बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। स्वर्ण समाज मंच के पदाधिकारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में स्वर्ण समाज को आने वाली प्रॉब्लम जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे प्रथम मैं 1989 के एक्ट से स्टार्ट करूंगा कि वो जो कानून जो बना था एट्रोसिटी एक्ट का, उसका तब से लेके 20 अगस्त 2018 तक हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये सभी दलित लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं और हम सभी इकट्ठे मिलके रहते हैं। जब उच्च न्यायालय ने ये कहा कि इस एक्ट के नीचे 70% केसेस जो है वो झूठे पाए गए हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस केस को दोबारा फिर गौर की जाए, तो सरकार और भारतवर्ष के जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनमें इकट्ठे मिलकर संसद में ये अध्यादेश पास कराया कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ में सहमत नहीं हैं, हमें उच्च न्यायालय का ये सुझाव पसंद नहीं है, और इन्होंने अध्यादेश पास करके अगस्त माह में इसको और सख्त बना दिया, जिसमें मैं पर्सनली समझता हूँ कि स्वर्ण समाज के लोगों को नंबर 2 पंक्ति के नागरिक बनाने की घोषणा इनडायरेक्टली हो चुकी है। जबकि हमें इस एक्ट के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो इसको सख्त क्यों बनाया गया और वो भी रातों रात क्यों बनाया गया, और हिंदुस्तान का एक एक MP जो है हर राजनीतिक दल का, उन्होंने सबके सबने का कैसे हाथ मिला लिए, जिसकी वजह से स्वर्ण वर्ग के मन में बहुत ही गुस्सा है इन दलों के प्रति, क्योंकि ये दल जो है हमारे नहीं है, खास करके हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे देवभूमि के बीच हम रहते हैं, हमारी संस्कृति जो है बड़ी उच्च संस्कृति है, और मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं कहना पड़ता है कि हिमाचल के 80-80 और 85-85 साल के भी वयोवृद्ध नेता हिमाचल की संस्कृति को नहीं समझ सके, क्योंकि इस जगह के ऊपर हिमाचल में ना तो हम दलितों के घर जलाते हैं, ना हमारे हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर झगड़े होते हैं, और ना ही हमारे यहाँ पर कोई गोवध होता है। अगर इस कानून की जरूरत है तो रेस्ट ऑफ इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हम आग्रह करते हैं कि अगर ये
इस संस्कृति को हिमाचल प्रदेश में बचाना है तो सरकार को ये हिमाचल प्रदेश में ये एक्ट लागू नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर इसका प्रभाव अभी से हाल ही में हुए इलेक्शनों के ऊपर पड़ा है तो इसमें स्वर्णों का कोई दोष नहीं है। और उनको खुश करने के लिए जो आप 10% जो बिना मांगे हुए ही, हम कभी भी सड़कों पे नहीं उतरे, हमने कभी भी मांग नहीं की, हमने कभी भी गाड़ियां नहीं चलाई, बसें नहीं चलाई, बिना मांगे हुए 10% जो रिजर्वेशन का एक टुकड़ा, वो भी एक जली हुई रोटी का टुकड़ा हमारे सामने फेंका है, वो हमें मंजूर नहीं है। हम उस संस्कृति से हैं जहाँ पे महाराणा प्रताप ने और जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने घास की रोटियाँ खाई थी, हम घास की रोटियाँ खा सकते हैं मगर एक जली हुई रोटी का टुकड़ा हमें मंजूर नहीं है। सरकार चाहे जो भी करे, चाहे 10% रिजर्वेशन दे स्वर्णों को, चाहे वो 50% दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी ना माने, वो हमारी दिक्कत नहीं है, मगर सरकार को चाहिए कि हमारे सामने खुले मंच में आकर इस चीज़ की हमारे साथ में वार्तालाप करें और हमें समझाएं कि आप स्वर्णों को नंबर 2 नागरिक क्यों बना दिया गया है। क्या अगर ये अब आपकी बात नहीं मानती है सरकार तो क्या स्वयं समाज कुछ अपना प्रत्याशी करेगा? हम शांतिपूर्वक संविधान में रहकर और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के हुक्म के मुताबिक एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी लड़ाई जारी करेंगे और जारी रखेंगे। और ये दल अगर हमें अपना नहीं समझते हैं तो हम स्वर्ण समाज मंच एक राजनीतिक दल की तरह तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उसमें कांगड़ा और चंबा लोकसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी फील्ड करेगा।